सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखिए, जब कोई बिजनेस या कोई कंपनी लोन लेती है अपना बिजनेस करने के लिए तो नेचुरल सी बात है कि उसको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी, और कोई इंटरेस्ट पेमेंट तभी करेगा जब वो कुछ प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट से कुछ गुना कमाएगा। मतलब अगर साल में 10 लाख रुपए इंटरेस्ट ही भरना है तो कंपनी को कम से कम 40 लाख 50 लाख कमाने होंगे, तभी तो वो इंटरेस्ट कंफर्टेबली भर पाएगा। तो यही चीज हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशो से पता चल जाती है कि एक कंपनी कितना कंफर्टेबली अपना एनुअल इंटरेस्ट भर सकती है। तो ये वीडियो भी एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम सॉल्वेंसी रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डेट रेशियोज कवर करी थी, जिसमें हमने डेट टू कैपिटल रेशियो, फिर डेट टू एसेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो समझी थी। अगर आपने वो वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस वीडियो में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं, कैलकुलेशन समझ लेते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं कैसे होती है। साथ में मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा, ऑनलाइन देख लेंगे एक कंपनी का कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है क्या और ये यूज कहां होता है। देखिए, जब कोई कंपनी बैंक में लोन लेने के लिए जाती है तो बैंक ये देखता है कि ये कंपनी आराम से अपना डेट पेमेंट कर पाएगी कि नहीं। अब डेट के अंदर एक तो होता है आपका इंटरेस्ट पोर्शन, दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल पोर्शन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यह समझ में आता है कि आराम से कोई कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है या नहीं। और अगर हमें टोटल डेट की पेमेंट का पता लगाना है तो उसके लिए हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझ लेते हैं। तो एक तो हमने ये बैंक का एंगल देख लिया। दूसरा जो पॉइंट होता है, कौन सा यूज होता है इसका, जब कोई फंड है जो किसी कंपनी को एनालाइज कर रहा है, उसको के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो फंड मैनेजर भी कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो भी देखना चाहेगा कि ये कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर डेट पेमेंट्स आराम से कर सकती है या नहीं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से एग्जैक्टली हमें पता क्या चलता है कि जितनी भी टोटल एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है कंपनी की, उसका कितना गुना कमा लेती है वो आराम से। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसकी इंटरेस्ट पेमेंट का कितना गुना है, ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो ये सिंपल सी रेशियो का फॉर्मूला होता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंटरेस्ट पेमेंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये कितना टाइम्स कमा रही है इंटरेस्ट पेमेंट का कंपनी, वो पता चल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा हो गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इससे आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइड कर देते हैं। अब इसके अंदर कई बार एक और वेरिएशन देखने को मिल जाता है फॉर्मूला में। कुछ एनालिस्ट्स या बैंक्स एबिटडा यूज करते हैं, वो बेसिकली डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन भी ऐड कर देते हैं। वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, वो कहते हैं कि ये रियल कैश आउटफ्लो नहीं है, ये पैसा कंपनी के अंदर ही है, ये खाली एडजस्टमेंट्स हैं, तो एटलीस्ट ये पैसा अवेलेबल है डेट सर्विस के लिए। तो उस केस में जब ये एबिटडा कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो ICR है वो इस केस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है और इस केस के अंदर थोड़ा सा कम होता है। तो इस केस में अगर ICR थोड़ा सा ज्यादा बनता है तो आपकी लोन पेमेंट, मतलब जो लोन आपको लिमिट सैंक्शन होगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, दैट्स ऑल। तो बेसिकली ये वाली थोड़ी सी कंजर्वेटिव रेशियो है, ये वाली थोड़ी सी लिबरल रेशियो है। बट आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, चाहे आप एनालिसिस कर रहे हैं अपना किसी कंपनी का या फिर कोई बैंक है जो एनालाइज कर रहा है कितना लोन देना है, कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉर्मूला यूज होना चाहिए। इवन अगर आप कंपनीज को कंपेयर भी कर रहे हैं तो सेम ही फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए क्विकली एक एग्जांपल देके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस किसी कंपनी का 400 करोड़ है और मान लेते हैं इंटरेस्ट पेमेंट जो एनुअल है वो 100 करोड़ की आ जाती है। तो इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ICR इज इक्वल टू 400 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 करोड़ करेंगे तो ये 4 टाइम्स कमा रही है। तो इंटरेस्ट आराम से कवर हो रहा है, 4 काफी कंफर्टेबल रेशियो है। अब देखिए कई बार क्या होता है, हो सकता है आपके पास ये EBIT डायरेक्टली अवेलेबल ना हो, आपके पास हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जितना टैक्स का पोर्शन है वो ऐड कर दीजिए और साथ में इंटरेस्ट पोर्शन जितना है वो ऐड कर दीजिए, तो आपको ये EBIT मिल जाएगा। और अगर आप ये EBITDA यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, अमोर्टाइजेशन अमाउंट ऐड कर दीजिए, तो आपको EBITDA मिल जाएगा। बट ज्यादातर अगर आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है। तो ये तो हमने कर ली कैलकुलेशन की बात। अब ये देखते हैं कि ये जो 4 वैल्यू आई है ये क्या सफिशियंट है या ये इनसफिशियंट है, क्या आइडियल रेशियो है।
तो बैंक्स और एनालिस्ट जनरली प्रेफर करते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 होना चाहिए, तो दैट मींस काफी आसानी से अपनी डेट पेमेंट कर पाएगी एक कंपनी। लेकिन कुछ केसेस में ये 2 से 3 के बीच में भी कंसिडर कर लिया जाता है, लेस देन 2 तो डेफिनेटली कंसिडर नहीं करते हैं बैंक्स और एनालिस्ट। तो लेस देन मतलब 2 to 3 कभी कभी कंसिडर कर लिया जाता है अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके कैश फ्लोज काफी स्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर कंपनीज होती हैं या आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं जिनके 20-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनका कैश फ्लो एक तरीके से आपका गारंटीड ही होता है। तो ऐसे केसेस में आपका जो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये 2 से 3 के बीच में भी कंसिडर कर लिया जाता है। बट जितना ज्यादा आईसीआर होगा उतना ही बेटर होगा, दैट मीन्स कि कंपनी की सॉल्वेंसी बेटर है, उसके बैंकक्रप्ट होने के चांस तो नहीं है कम से कम, ये हमें समझ में आ जाता है, और वो अपनी डेट सर्विस आसानी से कर सकती है। दूसरा एक और क्या फायदा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होने का, जब कोई कंपनी बैंक से मनी लेती है मतलब बोरो करती है लोन लेती है तो काफी कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट्स मिल जाते हैं और जो लोन के टर्म्स होती हैं वो भी बेटर मिल जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्विकली ऑनलाइन कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, इसकी एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स निकाल लिए हैं, इंडिया इन्फोलाइन वेबसाइट पे गए हैं हम, और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है और मार्च 2018 के हम फिगर्स देख लेते हैं। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें ईबीआईटी निकालना है। अब ईबीआईटी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है और साथ में हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पता चल रहा है यहाँ पे। तो हमें अगर ईबीआईटी निकालना है तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ईबीआईटी अगर हम निकाल लें तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया, एक तो हो गया हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 4,946,426 में मैं ऐड कर दूंगा कितना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मैं ऐड कर दूंगा 8,052। तो ये जो मेरी फिगर निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी 5,57,478। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है, तो हम ईबीआईटी को इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 57,478 डिवाइडेड बाई 8,052 हमारा इंटरेस्ट है, तो 8,052 कर देते हैं। तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी निकल के आ गई, 7.1 आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये काफी कंफर्टेबल है, हमने कहा था कि 3 से ज्यादा कंफर्टेबल रेशियो होती है, तो 7.1 काफी कंफर्टेबल रेशियो है। और देखिए ये आपको खुद से कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये आप ऊपर जाके सीधा रेशियोज में भी देख सकते हैं। चलिए एक बार रेशियोज में जाके देख लेते हैं, यहां पे नीचे आएंगे तो ये आपको लेवरेज रेशियोज में मिल जाएगा। ये देखिए ये 7.1 हमने कैलकुलेट करी है, एग्जैक्टली वही आ रही है। तो इस वेबसाइट पे इंडिया इन्फोलाइन की वेबसाइट पे ये ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट पेमेंट का ही फॉर्मूला लगाते हैं, ये एबिटडा को यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये वेरी कर सकता है, अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकती हैं, बट आप जो भी वेबसाइट देख रहे हैं आप या तो सेम ही वेबसाइट देखिए हमेशा, और जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे सेम ही फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये देखिए अब तो हमने ये एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवर करी है इस वीडियो में, ये बाकी की जितनी भी रेशियोज हैं मैंने काफी सारी तो इसमें से ऑलरेडी कवर कर ही दी हैं, और बाकी की भी मैं रेशियोज कवर कर दूंगा अपने आने वाले वीडियोज में, तो बाकी के वीडियोज मेरे जरूर देखिएगा। और अगर आपने पुराने वाले वीडियोज नहीं देखे हैं रेशियोज के तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको एक कंपनी की टोटल फाइनेंशियल हेल्थ तभी पता चलती है जब आप सारे रेशियोज का एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में काफी मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, या आप अपना और भी कोई विचार शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं हर रोज इस तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।